सो वी आर ड्रॉइंग अ क्यूट गर्ल हु इज टेकिंग हर सेल्फी ड्रेस क्यूट सा ड्रेस पहना हुआ उसने सो so सबसे पहले जो है मार्जिन आपको छोड़नी है थ्री सेंटीमीटर ऊपर थ्री सेंटीमीटर नीचे मैंने छोड़ना है बताने के लिए कि जो ए फोर शीट है उसमें ये इतना पार्ट यूटिलाइज नहीं हुआ है थ्री सेंटीमीटर ऊपर का मैंने छोड़ा है उसके बाद ड्राॅइंग शुरू करी है सो अगेन हेड और नेक जो है इस लड़की का वो फाइव एंड हाफ सेंटीमीटर्स में आएगा एंड इसने फोन जो हाथ में पकड़ा है वो थ्री एंड हाफ़ सेंटीमीटर्स का जो है इसका लंबाई है फ़ोन का सो तो सबसे पहले हम जो फ़ोन है वो ड्रॉ करेंगे और अगर यहाँ से ये जो फ़ोन के साथ जिसका हाथ है वो हाथ इस लाइन पर जाकर ये जो इस लाइन पर जाकर ख़त्म होगा विच इज़ फाइव फाइव एंड हाफ़ और फाइव एंड हाफ़ मतलब एलेवन सेंटीमीटर में पूरा हाथ फेस के साथ हाथ सब कुछ आ जाएगा तो ये हाथ इंपॉर्टेंट है ड्रॉ करना सो लेट गेट स्टार्टेड यू विल गेट एन आइडिया कि क्या है सबसे तो पहले हम फोन ही ड्रॉ करेंगे ड्रॉ कर लिया हमने तो बाकी काम बहुत आसान हो जाता है हमारा सो so, इसका फेस तो दिख नहीं रहा है तो जितना दिख रहा है हम उतना ड्रॉ कर लेंगे वो फेस सो so बेसिकली इसका बाल दिख रहा है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं फेस में कुछ दिखने के लिए बचा नहीं है क्योंकि वो कैमरा आगे सामने थोड़ा सा ईयर दिखेगा वो हम ड्रॉ कर लेंगे एंड हमारा नेक दिखेगा वो हम ड्रॉ कर लेंगे अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसका शोल्डर शोल्डर बहुत वाइड हो रहा है नाइन सेंटीमीटर्स का हो रहा है यूजली इतना होता नहीं है इट्स बिकॉज इसने पर्फ स्लीव का ड्रेस पहन रखा है जिसकी वजह से शोल्डर बहुत वाइड हो रहा है मैं यहाँ पे नीचे घूमी घूमी लाइन इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये पफ स्लीव है और यहाँ लास्टिक की वजह से रब बैंड लगा हुआ है सो so, इसीलिए थोड़ा टाइट है ध्यान रखिए ड्रेस बहुत फिटेड है तो हम नेक लाइन से शुरू कर रहे हैं और क्लियरली ड्रेस फिटेड होने की वजह से आपको जो बस्त है वो क्लियरली दिख रहा है क्योंकि जो है बिल्कुल फिट से बनाया हुआ कपड़ा है बिल्कुल फिट किया हुआ कपड़ा है अगेन यहाँ पर आपका जो वेस्ट लाइन है वो फाइव सेंटीमीटर का होगा ये गैप आपको फाइव सेंटीमीटर का रखना है यहाँ पे ड्रेस ऐसा हो जाएगा हम ये दूसरा हाथ ड्रॉ करेंगे अब हम क्योंकि ये लेयर ड्रेस है मतलब इसमें दो तीन लेयर्स होंगे ड्रेस में सो तो अब हम पहला लेयर ड्राप करते हैं ड्रेस का ये आपने देखा होगा जो लेयर स्कर्ट होते हैं उसी तरह से लेयर ड्रेस होता है इसमें अलग अलग तरीके के लेयर होते हैं अगेन थर्ड लेयर तक आते आते जो आपका एरिया वो बढ़ेगा और जो थर्ड लेयर का जो आपका वर्थ होगा मैक्सिमम वर्थ जो होगा वो तेरह सेंटीमीटर का होगा सो so, ये जो है तेरह सेंटीमीटर होना चाहिए आपका स्कर्ट का जो मैक्सिमम वर्थ जो हम रख रहे हैं एंड अगेन वेस्ट के बाद जितना भी आ रहा है वो ट्वेल्व सेंटीमीटर में बॉडी खत्म हो जाएगी आगे इधर आकर सो लेट्स मूव ऑन टू शेडिंग यहाँ पे फ़ोन में आई गेस ये अलग अलग कैमरे होते हैं वो कैमरा नहीं बनाया मैंने चीज़ें छूट गई हैं तो अलग से ड्रॉ कर लेंगे एंड पफ स्लीव है तो थोड़ा सा फोल्ड जो इनिशियल फोल्ड हमको दिखाना है वो ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे बहुत सारे फोल्ड आएंगे इसमें क्योंकि पफ स्लीव का है बहुत फिटेड है तो यहाँ पर भी एक लाइन आएगा यहाँ पर भी एक लाइन आएगा बिल्कुल और स्टाइल में जो फिट होता है ड्रेस का वैसा ड्रेस है तो सबसे पहले हम हेयर शुरू करेंगे मैं यहाँ फोर बी पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ आप एक ही पेंसिल यूज़ कर सकते हैं मैं फोर बी सिक्स बी दोनों यूज़ करूँगी फिर मैं स्टैम्प से मर्ज कर रही हूँ फर्स्ट लेयर करने के बाद और फिर मैं सिक्स बी से जो है कलर को डार्क कर रही हूँ हेयर का जो साइड एरिया है आप देख सकते हैं नेक के पास हुआ बाहर का जो एक्सटीरियर का एरिया है वो सारा कुछ मैं डार्क कर रही हूँ सिक्स वी का यूज़ करके देन स्किन uh, को आपको लाइटली कलर करना कलर इन देंस आपको शेड uh, करना है विद द टाइम फ़ोन थोड़ा डार्क होगा कंपेरिटिवली तो हम उसको थोड़ा डार्क करेंगे एंड देन वी विल मर्ज इट विद द टाइम यहाँ जो मैं पेपर यूज़ कर रही हूँ इट्स अ डिफरेंट क्वालिटी पेपर जो कि मैंने गलती से यूज़ कर दिया है यहाँ पर इस रिलिटिल रफ पेपर बट अगेन मेक श्योर यू आर यूजिंग अ यूजिंग अ वेरी स्मूथ पेपर लाइक आइवरी शीट और स्केच बुक का जो शीट आता है यूज़ दैट डोंट यूज़ एनी रफ पेपर इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट टू वर्क विद इन पेंसिल सो अब जो है नेक के पास जो है सेकेंड शेड फर्स्ट शेड देने के बाद सेकेंड शेड अगर आपके स्टैंप में थोड़ा सा इंक बाकी है तो लेड या जो भी बाकी है तो उसी से आप सेकेंड लेयर दे सकते हैं उसको थोड़ा आप देख सकते हैं साइड्स में डार्क कर रही हूँ तो इस तरह से आपको डार्क करके आप सेकेंड लेयर दे सकते हैं वहाँ पर न, सेम आ, उसका यूज़ करके स्टैम्प का यूज करके न, ड्रेस बहुत लाइट कलर का है तो जितने भी फोल्ड्स हैं सिर्फ वो मैं स्टैम्प का यूज करके दिखा रही हूँ यहाँ पर न, सो स्टैम्प का यूज बेसिकली न, जो है बस स्टैम्प से ही मर्ज कर रही हूँ मैं यहाँ पे अलग से आप, आपने देखा होगा पेंसिल नहीं लगा रही हूँ स्टैम्प से ही मर्ज कर रही हूँ सिर्फ फोल्ड्स के लिए पेंसिल का यूज़ नीचे करूँगी शायद पर अभी तो सारा कुछ स्टैम्प से ही दिखा रही हूँ क्योंकि वाइट कलर का ड्रेस है तो फोल्ड्स भी जो आएंगे वो इतने डार्क नहीं आएंगे कि आपको पेंसिल यूज़ करना पड़े मैं छोटे छोटे से पैटर्न बना रही हूँ इसके ऊपर ड्रेस के ऊपर छोटा छोटा सा पैटर्न है तो आपको रैंडमली देना है डॉट डॉट जैसा पैटर्न है इसके ऊपर सो तो आपको रैंडमली देना है कोई ऐसे फिक्स्ड तरीका नहीं है देने का जैसे आप देख सकते हैं अनइवेंट डॉट्स दे रही हो वैसे ही अनइवेंट डॉट्स के पैटर्न सिर्फ आपको लास्ट में देना है शेडिंग करने के बाद आपको पैटर्न देना है यहाँ पर ये ध्यान रखिए आप पैटर्न पहले मत ऐड करिएगा पहले आप शेड कर लीजिए कोई भी डिज़ाइन जो भी आप ऐड कर रहे हो वो बाद में होता है ऐड आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे फोल्ड्स बनाएंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर जो है ड्रेस जो है वो इसमें गैदर्स दिया हुआ है तो गैदर्स की वजह से बहुत सारे फोल्ड्स आते हैं जो कि मैं पेंसिल से ड्रॉ कर ली हूँ उसके बाद शेडिंग मैं जो है स्टैम्प का यूज़ करके दे रही हूँ यहाँ पर सो तो कोशिश करिए जो वेस्ट के पास का एरिया है उसको थोड़ा सा ज़्यादा फोल्डेड दिखाएँ क्योंकि अगेन बिकॉज ऑफ द गैदर ड्रेस थोड़ा सा ये कॉटन का कपड़ा है और थोड़ा सा फुल पफ़ी लुक दे रहा है जो प्रिंसेस ड्रेस में होता है सो तो या तो ऑर्गैनजा या तो कॉटन में ऐसा लुक आता है कि ड्रेस जो है थोड़ा सा पफ रहता है सो तो वही लुक देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर और आप देख सकते हैं जितने भी जो डार्क फोल्ड हैं वो मैं पेंसिल से कर रही हूँ बाकी जो लाइट चीज़ें हैं वो मैं स्टैम्प से ही मर्ज कर दे रही हूँ सो so, और आप देख सकते हैं कि एक लेयर की जो नीचे वाला हिस्सा है सेकेंड लेयर को करने से पहले मैं इसको डार्क कर रही हूँ तो आ, इस तरीके से आप इसको पहले डॉट्स देंगे जितना भी है यहाँ पर आ, जैसे मैं यहाँ दे रही हूँ अब अगेन आप थर्ड लेयर में भी फोल्ड्स देंगे यहाँ पर और फिर इसके बाद आप जो है इसको डार्क कर लेंगे जैसे मैं डार्क कर रही हूँ तो फर्स्ट लेयर के बाद सेकेंड और थर्ड लेयर का प्रोसेस सेम रहेगा फर्स्ट लेयर में कंपैरेटिवली शेडो कम आएगा आप देख सकते हैं शेडो ज़्यादा है सेकेंड थर्ड लेयर में सो इसीलिए सेकेंड थर्ड लेयर में हम स्टैम्प का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं पेंसिल बहुत डार्क बीच बीच में हमने यूज़ किया है सो बिकॉज ऑफ द चेंज इन द लेयर नेल्स डार्क कलर के पेंट है इसलिए मैंने सिक्स बी से सीधा उसको ब्लैक कर दिया है दिखाने के लिए कि ये डार्क कलर का नेल पेंट है पैर को अगेन पहले करेंगे फिर जो एरिया जहाँ पे हाईलाइट देना है उसको स्टैम्प का यूज़ करके और उसको डार्क कर देंगे एंड दैट्स इट उतना कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर सो so होपफुली ये ड्राॅइंग बहुत सिंपल है कोई भी कर सकता है सो आई एक्सपेक्ट एंड होप कि आपको ये ड्राइंग अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स में बताएं कि आप और किस तरह की गर्ल uh, ड्राइंग देखना चाहेंगे पेंसिल uh, ड्राइंग देखना चाहेंगे सो uh, so जो भी गर्ल रिलेटेड ड्राइंग होगा मैं आई ट्राई टू पोस्ट दैट वीडियो